everyone. My name is Bhavna Pant, teacher of Madhura Sindhya Public School, Bareilly. Students, मैं आज आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ और आज की कहानी का नाम है थंबलीना। थंबलीना एक बहुत ही प्यारी सी लड़की की कहानी का नेम है। थंबलीना, एक बार की बात है, एक औरत के कोई बच्चा नहीं था। उसने एक दिन रात में परी से विश मांगी कि मुझे एक छोटा सा बच्चा चाहिए। परी ने उसको एक बीज दिया और कहा, इसको अपने गमले में लगा देना और आपकी मनोकामना पूरी होगी। सुबह वो देखती है कि उस गमले में एक फ्लावर खिलता है और जिसे वो जैसे ही वो प्यारे से फ्लावर को टच करने जाती है, वो फ्लावर में देखती है कि एक छोटी सी लड़की जो है वो सो रही होती है और वो बहुत सुंदर होती है। लेकिन वो इतनी छोटी होती है कि वो औरत सोचती है कि अरे ये तो बहुत छोटी है, बहुत प्यारी है, चलो मैं इसका नाम थंबलीना रखती हूँ। वो थंबलीना की बहुत केयर करती है और वो उसके साथ बहुत खुश हो जाती है। वो थंबलीना के लिए एक छोटा सा बेड बनाती है जो कि एक अखरोट होता है और उसमें छोटा सा एक लीफ पत्ता लगाकर उसका एक बेड बनाती है। लेकिन एक जो मेढक होता है वो बाहर से रोज थंबलीना को देखता है और उसको वो बहुत सुंदर लगती है और वो कुछ सोचता है। एक दिन मौका पाकर जो वो मेढक है वो थंबलीना को उठाकर अपने पॉन्ड में ले जाता है और वहां जाकर अपने बेटे से उसे मिलवाता है। जैसे ही थंबलीना उठती है और वो दो दो मेढक को देखती है, चिल्लाने रोने लग जाती है और कहती है कि ये क्या है। मेढक बोलता है कि ये मेरा बेटा है और मैं चाहता हूँ कि आपको इससे मैं शादी होनी चाहिए। थंबलीना तो बहुत रोने लगती है और डर जाती है। वहां पे जाती हुई मछलियां, तितली और चिड़िया उसकी बात सुन रहे थे और उन्होंने थंबलीना की मदद करने का फैसला लिया और वो उसको उड़ाकर साइड में एक जगह पर ले गए, जहां पर उसकी मदद जो है वो एक बीटल करती है और उसको वो वहां से उस साइड से उड़ाकर अपने घोंसले में लेकर जाती है, जहां पर बहुत सारी बीटल्स इकट्ठी हो जाती हैं और उसको देखकर कहती हैं, थंबलीना ये तो बहुत अगली है, ये तो बहुत गंदी है देखने में। तो वो बीटल सोचता है कि अरे ये तो सब इसको बहुत बुरा कह रहे हैं और जाकर उसको एक ट्यूलिप के फ्लावर पे छोड़ देता है। वहां से थंबलीना जंगल जंगल भटकती रहती है, सर्दी गर्मी बारिश में बहुत परेशान हो जाती है। कभी वो कुछ खाती है, कभी कुछ पी के अपना गुजारा करती है। जाते जाते उसको जंगल में एक घर मिलता है जो कि एक चूहे का घर होता है और वो पूछती है कि क्या मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। तो वो बोलती है हाँ हाँ आप यहाँ पर रह सकती हो और उसकी वो मदद करती है, उसको खाने को देती है और वो वहां पर इंजॉय करती है। थोड़े दिन बाद वो वहां पर उसको एक चूहा अपने एक फ्रेंड से मिलाता है, छुछुंदर से, जिसको वो देखते वो डर जाती है। तो कहता कि डरो नहीं, ये जो है आपके साथ शादी करेगा और आप दोनों बहुत खुश रहोगे। ये सोच के थंबलीना फिर सोच में पड़ जाती है और बहुत परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो घर से बाहर निकलती है और वहां देखती है कि एक बर्ड बहुत घायल पड़ी है। जैसे ही वो उसके पास जाती है तो उसे लगता है कि अरे ये तो बर्ड मर चुकी है और उसे वो एक गरम ब्लैंकेट उड़ाती है ताकि वो उसको थोड़ा सा सेव कर सके। जैसे ही वो ब्लैंकेट उड़ाती है तो उसे लगता है अरे बर्ड तो जिंदा है, तो वो उसे कुछ खाने को देती है और उसकी थोड़ी सी दवाई लगाती है जिससे वो बर्ड ठीक हो जाती है और उड़ने लग जाती है। और थंबलीना से प्रॉमिस करती है कि मैं आपकी एक दिन हेल्प जरूर करूंगी। थोड़े दिन के बाद थंबलीना सोचती है अब मैं क्या करूंगी, ये छुछुंदर तो मुझसे शादी करेगा। तो वो बाहर निकल के सोचने लगती है तो देखती है ऊपर बर्ड वो आती है और उसे हाई करती है। तो वो बोलती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो वो कहती है कि आओ आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुमको उड़ाकर दूर कहीं पर ले जाऊंगी। वो जाकर एक फ्लावर के पास उसको छोड़ देती है और जैसे ही थंबलीना उस फ्लावर में बैठती है और वो देखती है वहां पे बहुत सुंदर सा एक राजकुमार होता है जो बिल्कुल थंबलीना के जैसा होता है। वो उसको देख के बहुत खुश हो जाती है और दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों साथ साथ खुशी खुशी वहां पर रहने लगते हैं। थैंक यू।